हेलो दोस्तों, तो आज हम दिखाएंगे आपको बाग, अपना छोटा सा बाग। सबसे पहले देखिए, हमारे बाग में ये अशोक का पेड़ है जिसको 3 साल हो गई है खड़े खड़े, अब ये इतना बढ़ पाया है। ये दूसरे नंबर पे अभी ये 15 दिन हुए हैं आम का पेड़ लगाए हुए। मैंने तो सोचा था ये सूख जाएगा, लेकिन ये सूखा नहीं, 15 दिन हो गए हैं कम से कम, वैसा का वैसा ही खड़ा है। वो गांव में बिकने आया था तो हमने लिया ये 200 रुपये का। और ये है हमारे, इसको छोटा नीम बोलते हैं, बकैना का। इसको भी कम से कम, इसको ज़्यादा साल नहीं हुए क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ता है। इसको हुए हैं वही 1.5 साल। ये सबसे पुराने हमारे बाग के 2 पेड़ हैं, एक बकैन का और एक सैतूस का, बिल्कुल पास ही पास लगे हैं। ये सैतूस का कम से कम 7 साल हो गए हैं इसको, और उसको 9 साल प्लस हो गए हैं, क्योंकि जब से मैंने अपनी सुत संभाली है तब से वो पेड़ है। ये 2 पेड़, ये आम का पेड़ है, इसको भी बहुत, इसको 9-10 साल हो गए हैं खड़े खड़े। एक ये आम का पेड़ है, इसको भी 10 साल प्लस हो गए हैं। और ये तुरैया हैं हमारे बाग में, ये अपने आप हो जाती हैं क्योंकि यहाँ बीज पड़ा ही रहता है, इसलिए अपने आप हो जाते हैं। और ये मेरी दादी ने पेड़ लगाए थे, 2, 4, 6 रह गए हैं, पहले लगाए थे शायद 10 या 12 थे। वो देखो, वो कटे कटे दिख रहे हैं आपको, वो ही है वो एक। और एक ये बकैन है, एक ये है, एक ये है, 3 बकैन के हैं। और एक ये नीम, नीम का ये छोटा सा थुआ बना रखा है इसका, इसको भी 2 साल हो गए हैं तब इतना बड़ा हो पाया, क्योंकि ये बकरियां यहाँ की खा लेते हैं। और हमारा बाग खाली है, अभी हम पेड़ लेने जाएंगे और लगाएंगे, उसकी वीडियो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हमें पेड़ लगाने का बहुत शौक है। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग। और ये मेरा दोस्त कमीना यहीं घूम रहा है। कुछ करके दिखा दे, ए कुछ करके दिखा दे, कुछ भी स्टंट वगैरह। तो हमारे बाग के जो पेड़ हैं उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? और ये हमारे पड़ोस के बाग का पेड़ है, मतलब हम गांव वालों को पेड़ लगाने का बहुत ही शौक है। ये इसके 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 गन्ने हैं, ये इसने भी गन्ने, इसके कितने साल के हो गए? 6 महीने के। 6 महीने के, अब ये कितने दिन और मुझे? कम से कम 3 साल तक चलेगा। 3 साल तक चलेंगे, लेकिन हो कब तक जाएंगे तोड़ने लायक? 2 महीने के बाद, 8 महीने में होते। 8 महीने में, सही है, 2 महीने बाद गन्ने खाने को मिलेंगे। ये हमारा एक दोस्त और आ गया है, बताइए क्या कहना चाहोगे? ये हमारे गांव में इतनी हरियाली है, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? हरा भरा गांव है, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? बरसात का मौसम चल रहा तो हरियाली तो होगी नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो घास फूस की हरियाली होती है। पेड़ों के ऊपर क्या कहना चाहोगे? पेड़ों के ऊपर, तेरे कितने पेड़ है? मेरे खुद के, मेरे होंगे 10-12। 10-12 होंगे तेरे? मेरे कम से कम 5-6 है। 5-6, और हमने तो अपने बाग के गिना दिए हैं, ये हैं और ए उस वाले खेत में भी 1-2 हैं। तो हम लोगों का ऐसा ही रोला रहता है, हम लोगों का ऐसा ही रोला रहता है, पेड़ हम बहुत लगाते हैं। गांव वालों का यही एक तजुर्बा है जो पेड़ लगाते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो पेड़ लगाने का हमारा तरीका, तो थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।